आज 15 नवंबर है, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज नथुराम गोडसे और नाना आपटे फांसी चढ़े थे। इनके जो स्टेटमेंट हैं, नथुराम जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उस किताब वो एक किताब की शक्ल में है। उसका नाम है गांधी वध क्यों। अच्छा, वाई आई एसोसिनेटेड, नहीं, हिंदी में इस किताब का, ये मराठी में शब्द प्रयोग हुआ है वध। वध और हत्या में अंतर होता है। वध का अर्थ है राष्ट्र और धर्म के प्रति जो लोग दुष्ट हैं, हानिकारक हैं, जिनके कारण धर्म और राष्ट्र की हानि हो रही है, उनका प्राणांत कर दिया जाए, ये वध है। रावण का वध हुआ था, शिशुपाल का वध हुआ था, कीचक का वध हुआ था, कंस का वध हुआ था, इनकी हत्या नहीं है। हत्या थोड़ी सी धीमी आ रही है। अब ठीक है, और थोड़ा बढ़ाता हूं। और हत्या यानी जिसमें व्यक्तिगत लाभ हो। मुझे किसी ने आहत किया, मैं किसी के प्रति कठोर भाव से भरा और मैंने उसके प्राण ले लिए, ये हत्या है। इन दोनों में अंतर है। एक सैनिक हत्या नहीं करता, वो वध करता है। इन दोनों में अंतर है। तो उस किताब का नाम है गांधी वध क्यों। तो गांधी वध क्यों, इस बात पर चर्चा अगर करेंगे, जाहिर है ये विवादास्पद विषय है। कुछ लोग कहेंगे कि गांधी की हत्या हुई, पाप हुआ, महात्मा को मार दिया। कुछ लोग कहेंगे महात्मा के दरकार, दुष्ट आदमी था ये सब। मगर इस पर हम चर्चा करेंगे, विवाद होगा, बातचीत करेंगे। 1947 के बाद से अब तक पूज्य मातृभूमि के विभाजन के बाद जो सारी सिस्टम चला है जुडिशरी, उसमें यह एक अद्भुत केस है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स दबा दिए गए। ये सामान्य लोग नहीं थे, ये आतंकवादी नहीं थे, पत्रकार थे और एक पत्रिका, एक अखबार जो दैनिक अखबार था, उसके संपादक थे। दैनिक अखबार का संपादक होने का मतलब है कि आपको रोज किसी विषय पर सोचना पड़ेगा, उस पर चिंतन करके लिखना पड़ेगा। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। आप कुछ भी कूड़ा लिखेंगे तो भी आपको डेली सोचना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति ने ये काम क्यों किया होगा, ये सामान्य गणना में आने वाले लोग नहीं है। किसी के प्राण लेना सबसे बड़ा अपराध है। इसके इसके लिए भारतीय दंड संहिता में या संसार भर की संहिताओं में जहां प्राण दंड बंद कर दिया गया है, वहां भी आजीवन कारावास यानी प्राण समाप्त होने तक, मृत्यु होने तक कारावास मिलता है, नहीं तो प्राण दंड दिया जाता है। यह अल्टीमेट अधिकतम किसी को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं इसको। तो जिन लोगों ने ये काम किया वो अपने काम के प्रति इतने आग्रही थे, इतने इतने उद्धत थे कि इन्होंने केस स्वयं कोर्ट में लड़ा। और ये सामान्य केस नहीं लड़ा गया है। जस्टिस खोसला जो इसके जस्टिस थे, उनका कहना है कि मैं इस पे एक क्षण के लिए भी मुझे संदेह नहीं है कि जो लोग सुन रहे थे केस को, नथुराम गोडसे एक दिन नहीं, वो लगातार कई दिन तक उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि जिन लोगों ने वहां सुन रहे थे, अगर मैं उन्हें जूरी बना देता तो मुझे एक क्षण के लिए संदेह नहीं है कि सारे के सारे लोग एक मत से नथुराम गोडसे को मुक्त कर देते, दोष मुक्त कर देते। गांधी के वध को इतना इतना ग्लोरीफाई बाद में सब कुछ हुआ है, उस काल की स्थिति। अच्छा, और तब पुलिस प्रशासन के पास बहुत साधन नहीं थे। कोर्ट में इन लोगों को बसों में, तांगों में, रिक्शों में लेकर जाया जाता था, ढाबों पर खाना खाते थे। जिन लोगों को पता लगता था कि बस में बैठे हुए ये लोग, क्योंकि मराठे थे, अलग से पहचान आते थे, पता लगता था कि ये लोग हैं, तो लोग तुरंत अपनी सीट खाली कर देते थे कि आप यहां बैठिए, आपने हमारे लिए कार्य किया है। इन लोगों के पैर छूते थे। इस पूरी पुस्तक है गांधीवत और मैं, इस पर ही सारी सारी चर्चा है। उस काल का मानस क्या था, उस सारे मानस को, इनके सारे स्टेटमेंट को इस तरह से दबा दिया गया, 30 साल के लिए इनके सारे स्टेटमेंट रद्द कर दिए गए। कौन सी बड़ी समस्या थी, कौन से राष्ट्र का ऐसी हानि होने वाली थी, गांधी वध क्यों हुआ, ये गांधी हत्या क्यों हुई, ये गांधी का मर्डर क्यों हुआ, इस बारे में जो सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं सामने आती, क्यों छिपाई जाती है। और एक बार नहीं हुआ, 30 वर्ष के लिए हुआ, उसके बाद दोबारा कर दिया गया, कोर्ट में केस लगा गया, उसके बाद ये सारा। आपने एक बहुत प्रसिद्ध गीत सुना होगा,
हमारे देश की समस्या क्या है कि हम लोग जो ऐतिहासिक विषय हैं, जो बहुत गंभीर विषय हैं, उनको भी बिल्कुल बचकाने ढंग से डील करते हैं। एक गीत है, दे दी हमें आजादी बिना, सबने सुना है, हम इसको सुनते हुए बड़े हुए हैं। सावर हम ये मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि भारत की स्वतंत्रता में, किंतु पूज्य मात्र भूमि का विभाजन, कम से कम 40 लाख लोगों की हत्या, लाखों माताओं और बहनों के बलात्कार, करोड़ों लोगों का विस्थापन, और इतनी बुरी तरह से विस्थापन कि बिल्कुल करोड़पति बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा, इसका पाप किसके सर जाएगा? हुज रिस्पॉन्सिबल? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा। साबरमती के संत ने कमाल कर दिया, देश स्वतंत्र कर दिया, तो ये विभाजन किसकी जिम्मेदारी है? मैं ऐतिहासिक कुछ प्रसंग बताता हूं, और मेरी वाणी अधिकृत है, जानकार है, ये बताने के लिए मैं एक जानकारी, मैं कोई अपनी कैप में कली नहीं पौंदा नहीं टांग रहा हूं, अगर जानकारी देता चलूं, जसवंत सिंह जी की किताब है मोहम्मद अली जना, बहुत मशहूर किताब है, जिस किताब के प्रकाशन के बाद उनको भाजपा ने अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया, बवाल कटा उस पर। उस किताब का हिंदी और उर्दू अनुवाद मैंने किया, एक पूरी टीम थी उसको मैं हेड कर रहा था, और सारा अनुवाद मैंने किया, तो उस काल के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी वायसराय पेपर्स तक मेरी नजर से गुजरे हैं, और एक आध दिन 1.5 साल तक हम लोगों ने ये काम किया है, पूरी नजर में है। पर भारत के विभाजन का पाप नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने सीधी सीधी बात यह रखी कि देश का विभाजन होगा तो उस समय दो लोग, दो दल सभा में थे, कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, कि आपकी वर्किंग कमेटी से ये प्रस्ताव पारित कराओ कि हम विभाजन चाहते हैं। अंग्रेज अपने मत्थे नहीं रख रहा था, स्वाभाविक था, मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, गांधी उसमें पहले क्षण से अंतिम क्षण तक मौजूद है, उसमें प्रस्ताव गिर गया, गांधी और नेहरू की सोच के बावजूद प्रस्ताव गिर गया, गांधी ने फिर उसके बाद फुट डाउन किया, जिद पकड़ी और लोगों को कन्विंस किया, गांधी का प्रभाव, लोग चुप हो गए, वो पूरी की पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है, मगर अंतिम हार पूज्य मात्र भूमि के विभाजन का गांधी थे। नथुराम गोडसे जी को गांधी के पुत्र ने पत्र लिखा, मेरे ख्याल से देवदास था ये इस काम को करने वाला, कि मैं आपसे आपके इस पाप कृत्य के बारे में बात करने के लिए मिलना चाहता हूं। नथुराम जी ने उसको जवाब दिया, ये चर्चा गंभीर वाक्य है, इसका ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि यदि राष्ट्रभक्ति पाप है तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने पाप किया, और यदि पुण्य है तो मैं अपने आप को उस पुण्य का अधिकारी समझता हूं। मानवों द्वारा स्थापित इस न्यायालय से ऊपर यदि कोई न्यायालय है तो मेरे कृत्य को उसमें पाप नहीं समझा जाएगा। सन्नाटे आ गए, पलटकर कोई पत्र नहीं लिखा गया। एक बड़ा नाम उस काल का अंबेडकर, नथुराम गोडसे जी को उन्होंने कहा कि मैं आपका मुकदमा लड़ना चाहता हूं, उन्होंने कहा नहीं, गांधीवाद मरता है, मेरे प्राण जाते ही जाए, मगर गांधीवाद नहीं चाहिए, क्योंकि अहिंसा एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिगत काम है। एक सन्यासी, एक सिद्ध साधु, एक बौद्ध भिक्षु, एक जैन भिक्षु अहिंसा बरतता है, बरते, वो उसकी आस पड़ोस के लोग क्या सोच रहे हैं? ईरान वाले हमला तो नहीं करने वाले, चीन के लोग तो हमला नहीं करने वाले, ब्रिटिश तो नहीं आने वाले, पोर्चुगीज तो नहीं आने वाले, फ्रेंच तो नहीं आने वाले, राजा को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। वो सूत के गोले, तकलियां और कपास और चरखा लेके नहीं बैठ सकता, ये तो निश्चित बात है कि आप किसी भी आवाज कट गई, तो फिर जी आवाज नहीं आ रही। मैं देखो क्या हुआ, कुछ नेट की समस्या, आवाज बंद हो गई है। अब ठीक है? अब हाँ जी, अब ठीक है। तो ये विषय इतना गंभीर है, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट भी हमारे खिलाफ बात कर रहा है। तो हम लोग किसी भी सूरत इस पर बात करेंगे तो इसके तथ्य सामने आने चाहिए।
मैं गांधी के बारे में बहुत सारे विषय पहले दो सत्र में बात कर चुका हूं, और मैं अत्री जी आपसे कहूंगा कि एक सत्र अगला और लेना पड़ेगा कि गांधी का मानस ऐसा कैसे बना कि इतना बड़ा काम कर गए, इतना पाप, बड़ा बड़ा पाप कर दिया। तो अगले सत्र में हम लोग फिर बात करेंगे। गांधी के जो कार्य थे वो तो अपनी जगह थे, मगर आप झोंक में राष्ट्र के बारे में कुछ कार्य नहीं कर सकते। गांधी जिस कारण से अनशन पर बैठे थे, वो उसका कारण ये था, देश का विभाजन हो गया। इस्लाम के लोगों ने तय किया कि हम भारत में नहीं रहना चाहते। कांग्रेस ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग चाहती थी, अंग्रेज सहमत हुए और विभाजन हो गया, दो भाग काट दिए गए। ध्यान रखें, 40 लाख लोग, मैं एक अपने मित्र का वाक्य प्रयोग करता हूं कि हम हिंदू आइलैंड हैं, भूमि से संलग्न नहीं है, हम इतिहास को नहीं देखते। वो जो 40 लाख लोग मारे गए, जिन लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वो मेरी माँ, मेरी दादी, आपकी बहन, आपकी बेटी, हमारे घर की महिलाएं थी। हम अलग नहीं हो सकते इतिहास से, ये नहीं सोच सकते कि वो तो पंजाब से हुआ था, मेरा क्या लेना देना, बंगाल से हुआ था, मेरा क्या लेना देना, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं। नहीं, ये इसलिए हुआ था कि हम हिंदू थे और ये लोग इसलिए आए थे। 47 में विभाजन स्वीकार करके लोग जो इधर आए थे, जो करोड़ों लोग विस्थापित हुए, वो मुसलमान बन सकते थे। आपको ध्यान होगा, सर्च कर लीजिएगा, पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री हुआ जुनेजो, ये 47 में जुनेजा था, मुसलमान हो गया, जुनेजो बना और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। ये मुसलमान बन के रह सकते थे, ये इस भगवा रंग चलिए, को चाहते थे, इसलिए लौट कर आए। इन्होंने कष्ट उठाए, हर प्रकार से प्रताड़ित हुए। हम इनसे अलग नहीं हो सकते, ये हमारे घर के लोग हैं। दिल्ली में सारे मंदिर, आर्य समाज खोल दिए गए, धर्मशालाएं खोल दी गई, इन सबको बसाया गया। स्वाभाविक था, अपने घर के लोग थे, अपने लिए करेंगे तो किसके लिए करेंगे। मगर वो लोग जो पाकिस्तान चले गए धरती छोड़ के, और बहुत ठंडा समय था, तो उन लोगों ने, जो मुसलमानों ने यहां अपने मकान छोड़े थे, मस्जिदें छोड़ी थी, उनमें शरण ली। रात दिन दिन तो कट जाएगा, रात में तो आश्रय चाहिए। गांधी इस बात पर अनशन पर बैठे कि इनके मकान खाली करो, भाजन करके चले गए हैं उन लोगों के स्थानों के लिए अनशन पर, मगर ऐसा हुआ। ठीक, कश्मीर के महाराज के बारे में बहुत खराब बातें लोग करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि वो इस बात के विरोध में थे। वो एक क्षण के लिए मना नहीं कर रहे थे अपनी सत्ता को भारत में मिलाने के लिए, एक क्षण के लिए मना नहीं कर रहे थे। कश्मीर को समस्या ही नहीं थी, उनका नेहरू उस पर अड़े हुए थे कि आप अपने प्रधानमंत्री के नाते शेख अब्दुल्ला को बनाइए उन। अच्छा, और ये कुछ लोगों का ये कहना है कि मोतीलाल नेहरू के कुछ अंतरंग संबंध थे, वो उनकी, शेख अब्दुल्ला की माँ उनकी मोगली बीवी थी, वगैरह वगैरह, ईश्वर जाने क्या सच है, मगर ये कहा जाता है। नेहरू उस पर अड़े हुए थे कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाइए। जब आक्रमण हो गया तो शेख उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो कभी मना नहीं कर रहे थे, ध्यान रहे, भारत में मिलने में कभी मना नहीं किया महाराज ने। महाराज कश्मीर पूरी तरह से राष्ट्रभक्त थे। बहरहाल ये आक्रमण हो गया, नेहरू गांधी जी ने उस समय इसी अनशन में ये बात और जोड़ दी कि जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने वो दिए जाए। कल्पना करें कि आप पर आक्रमण हो गया है और आपका भतीजा, भांजा, भाई, कोई भी, अब इस पर ये शख्स ने आक्रमण किया, उसे सौंप दो। इस बात का विरोध करेंगे कि नहीं? निश्चित रूप से। फिर एक जो भयानक बात थी कि गांधी जिस अनशन पे बैठे थे, उनका रिजर्वेशन था ट्रेन से लाहौर जाने का। लाहौर से यानी पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश तक एक पूरा कॉरिडोर इस्लामियों को देने की बात थी, यानी भारत, पूज्य भारत माता के दोनों हाथ काटने से चैन नहीं था, छाती पर एक पूरा दोनों हिस्से अलग कर दिए जाए। ये वो क्षण था जब ये तय किया गया कि ये व्यक्ति अपनी सीमाएं लांघ चुका है, इस व्यक्ति को निश्चित रूप से
किसी के प्राण लेने का मतलब है कि अब मेरे प्राण भी जाएंगे, नथुराम गोडसे जी। और इस क्षण पे मैं ये शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, पूज्य नथुराम गोडसे जी और उनके साथियों ने यह तय किया कि अब इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता, ये राष्ट्र के लिए हर प्रकार से दुष्ट है, बहुत हानि कर रहा है। सामान्य लोग नहीं थे कि आपकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, अशिष्ट व्यवहार करता है, आपकी मां के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ अशिष्टता करता है, आप क्या करेंगे? कानून ये कहता है कि आप दौड़ के थाने जाएं, उसको बताएं कि मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी के साथ, मां के साथ ये व्यवहार हो रहा है, इतनी देर में वो अपनी मनमर्जी करे और आप कानून का पालन करें, या फिर आप तुरंत आक्रमण करेंगे, तुरंत उसको प्रत्युत्तर देंगे। आपकी जानकारी में होना चाहिए, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, लाहौर में, पेशावर में ढोल बजा बजा हिंदू लड़कियों पर बलात्कार करने के लिए निमंत्रण दिए गए, हमारी माताओं और बहनों के नंगे जुलूस निकाले गए, इतने बलात्कार हुए कि वो मर गई। Who's responsible for that? कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा। जिसने विभाजन का पाप किया वो इसके लिए जिम्मेदार है। व्यक्तिगत बहन, पत्नी, मां, बेटी के लिए हम प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं, जहां राष्ट्र का सम्मान दांव पर हो, हम कुछ करेंगे कि नहीं? कुछ लोगों ने तय किया कि ऐसे हत्यारे को, ऐसे पापी को स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरने देंगे। ये गंभीर विषय है। मनुष्यों द्वारा स्थापित कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं है कि इसको दंड दे सके, तो हम दंड देंगे और इसकी कीमत हमें प्राण देकर चुकानी पड़ेगी, हम देंगे। और यही तरीका है राष्ट्र के सम्मान को सुरक्षित रखने का, धर्म के सम्मान को सुरक्षित रखने का। आज का काल नहीं है, 1948, 1949, 1950, कल्पना करें उस काल में सामान्य व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी। इनकी जो वसीयत है, जो इच्छा पत्र है, इन्होंने अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे के लिए लिखा है, उसमें लिखा है कि यदि तुम्हें मेरा, क्योंकि इसमें कानूनी पक्ष है कि जिस व्यक्ति को कानून दंड देता है, प्राण दंड सरकार देती है, उसके शरीर पर, उसके शव पर उसके परिवार का अधिकार नहीं होता, राज्य का अधिकार होता है, वो जैसी चाहे उसका निस्तारण करें। आप ध्यान करें, इसके बावजूद वो जो महाराष्ट्र से जो था ना, क्या नाम, जिसने ट्रेन में बम विस्फोट किए थे, उसका शव उसके परिवार को दिया गया और उसमें 5,000-10,000 लोग शरीक हुए, मगर ये कानून है कि उसको शरीर को देना आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने कहा, यदि तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार का अधिकार मिले तो मेरी अस्थियों, मेरी राख का थोड़ा सा शेष रखना, जब सिंधु नदी अखंड भारत में परम पवित्र भगवत ध्वज के तले बहे, तब मुझे मेरी अस्थियों का उस समय मेरा श्राद्ध करना। यानी उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मैं प्रेत बनूंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मगर मैं राष्ट्र के उस व्यक्ति की तेजस्विता, उस व्यक्ति की वीरता, उस व्यक्ति की हिम्मत होना है, वो उस व्यक्ति ने किया। और उसका कारण था कि गांधी का पाप इतना बड़ा था। मैं समझ नहीं पाता कोई फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कैसे कह सकता उस व्यक्ति को जिसने राष्ट्र का, देश का विभाजन किया। भारत हजारों साल पुराना है, कम से कम, लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों की बात नहीं करता, मगर हजारों साल पुराना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण इसके बाप नहीं है, और ऐसा व्यक्ति इसका बाप है, कैसे? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा। आखिर हम नेहरू को वोट देने के लिए बने हैं क्या? चिंतन कृपया अपने मस्तिष्क में लाइए, इस बात को सोचिए। जिन लोगों ने यह कार्य किया वो बहुत कन्विंस थे, सामान्य बड़ी मृत्यु जो इस काल में हुई, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी दी गई, तो उस पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो
कि भुट्टो को खींचकर लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में फांसी के लिए लाया गया। ये वो लोग हैं जो जब उनको कहा गया कि समय हो गया तो अपने साथ नारायण आपटे से कहते हैं, पंडित उठो, फांसी से 10 मिनट पहले वो भोजन करते हैं, गीता पढ़ते हैं और मस्ती के साथ फांसी पर जाते हैं। क्यों? प्राण देना सबको कष्टदायी होता है। क्यों? उसका कारण है कि वो कन्विंस थे कि वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो धर्म और राष्ट्र के लिए अनिवार्य है। 15 नवंबर, अब इतनी इतनी बात कहने के बाद वो समय आ गया है कि उस महापुरुष को नमन करने का समय है जिसने हमारे बड़े पैमाने पर अपमान का, कम से कम उस व्यक्ति को जिसने, जो जिम्मेदार है, सीधे सीधे उसको दंडित किया। ये बड़ी बात है, बहुत तेजस्वी बात है। 55 करोड़, पूरा कॉरिडोर, लाखों माताओं बहनों का बलात्कार, लाखों लोगों की हत्या, इन सब के अगला चैप्टर कि गांधी ऐसा बना क्यों, उसकी मानसिकता ऐसी क्यों बनी। तो गांधी का व्यक्तिगत चरित्र मैं अगले सप्ताह लूंगा, मगर इस बात को आपके ध्यान में आना चाहिए। में ये कोई आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने ये कार्य किया है, ये स्लूट के लायक लोग हैं। आप कुछ कहते हैं मेरे जी? मैं कह रहा था कि दर्शकों को शायद हमें ये भी बताना चाहिए कि ये जो कॉरिडोर जिसकी बात चल रही है, बोर्ड से बताते हैं कि उन्होंने क्यों निर्णय किया कि जनवरी में ही हत्या की गई, और मांगा जा रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ना है। नीरज इसके जी, लिए 50 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी होगी जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ेगी, जो पाकिस्तान के अधिकार में रहेगी। उसमें रेलवे ट्रैक होंगे, नेशनल हाईवे बनेंगे उसके लिए। तो ये वो कॉरिडोर है जिसकी तुफेल जी बात कर रहे हैं। जी नीरज तुफेल जी जी, कुछ कहना अगर चाहिए। मैं वध के लिए आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा तो किसी और को क्या करूंगा। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। गांधी हत्या मत कहिए, ये शब्द प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति राष्ट्र की हानि कर रहा था, धर्म की हानि कर रहा था। मेरी व्यक्तिगत भैंस नहीं खोल रही थी, कोई गोडसे जी की बहन बेटी नहीं, छह नहीं मार लिए थे उनके, कोई कर्जा नहीं खा लिया था। पूना के वो लोग जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, और पुण्य श्लोक उस महापुरुष को नमन, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, अपना निजी पिस्टल जिस पर नंबर होता है वो दिया कि जाओ काम करो। कारण धर्म की, राष्ट्र की हानि जिससे हो रही है उसको एग्जीक्यूट, उसको अपलीट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। आप देश को की दुर्गत होने नहीं दे सकते। हम आखिर कौन सा भविष्य छोड़ेंगे? दुनिया हम जाएंगे, आज नहीं कल हमारी आंखें बंद होगी। अगर नाथूराम गोडसे जी उस क्षण में फांसी नहीं चढ़ते तो कोई 1500 साल नहीं जीने वाले थे, मगर वो अपने पीछे एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसी संस्कार को, सोच को छोड़ गए कि मेरे जैसा सामान रहता है पूज्य पुरुष। ये नाम मैं अपने पिता के लिए प्रयोग नहीं करता, अपने दादा के लिए प्रयोग नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता हूं। यहां तक कि मैं राणा प्रताप के लिए नहीं प्रयोग करता, मैं शिवाजी के लिए प्रयोग नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता हूं कि जिसने धर्म और राष्ट्र के लिए, जो प्यूरेस्ट फॉर्म है धर्म के लिए बलिदान होने की, उस कसौटी पर कसें। तो नाथूराम गोडसे बिल्कुल सामने की, हाँ मैंने बात कहनी थी।